एमपी में हैंडपंप चलाने पर निकली शराब, जमीन में 7 फीट नीचे गाड़े गए कई टैंक। नमस्कार, मैं मीरा पांडे और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश के गुना में हैंडपंप चलाने पर पानी नहीं शराब निकली है। शराब का अवैध कारोबार करने वालों का यह कारनामा सोमवार को सामने आया जब पुलिस ने गुना के 2 गांवों में छापे मारे। जैसे ही पुलिस ने मौके पर मिले हैंडपंप को चलाया, उससे शराब निकलने लगी। जब उसके नीचे खुदाई की गई तो अवैध शराब की भरी टंकियां मिली। ये टंकियां जमीन में करीब 7 फीट थी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में शराब नष्ट की। ये हैं गुना के चांचोड़ा और राघोगढ़ के 2 गांव। यहाँ की जमीन कच्ची शराब उगलती है। दरअसल अवैध शराब बनाने वालों ने यहाँ 7 फीट गहरे गड्ढों में टंकियां गाड़ रखी, इसके ऊपर हैंडपंप लगा दिया है, उन्हीं से शराब निकालते हैं। इससे निकाली गई शराब पॉली बैग में भरकर बेचते हैं। पुलिस ने सोमवार को अवैध शराब के 2 ठिकानों पर छापा मारा। इसके दौरान हजारों लीटर कच्ची शराब जब्त की गई। हालांकि आरोपी भाग निकले, पुलिस ने 8 आरोपियों की पहचान कर ली है। 2 थाने में 8 केस दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने खुदाई की तो टंकियां निकली गयी। भानपुरा के चांचोड़ा SDPO दिव्य राजावत और साकोनिया में राघोगढ़ SDPO GD शर्मा के नेतृत्व में टीम ने एक साथ छापा मारा। पुलिस को देखते ही आरोपी भाग निकले। सर्चिंग के दौरान जमीन के अंदर शराब के ड्रम मिले। यहाँ कच्चे झोपड़ी नुमा घर बने हुए थे। पास में पानी का पक्का टैंक बना हुआ था। पुलिस ने खुदाई शुरू की तो एक के बाद एक कई ड्रम जमीन से निकलते गए। ड्रम के हिसाब से जमीन में गड्ढे खोदे गए। हर गड्ढे की गहराई लगभग 6 से 7 फीट थी। इनकी चौड़ाई भी ड्रम के हिसाब से होती थी। 3 फीट चौड़े ड्रम के लिए लगभग 4 फीट चौड़ा गड्ढा खोदा जाता था। इसी तरह 5 फीट चौड़ाई के ड्रम के लिए लगभग 6 फीट गड्ढा बनाया जाता। उसमें ड्रम रखकर ऊपर से मिट्टी डालकर बंद कर देते थे। ऐसे में ऊपर से ड्रम नहीं दिखता था। हैंडपंप से निकालते हैं शराब। चांचोड़ा थाना प्रभारी रवि कुमार गुप्ता ने बताया कि टंकियों से कुछ दूरी पर एक हैंडपंप लगा था। इसी हैंडपंप से जमीन में गड़े हुए ड्रम से आरोपी शराब निकालते थे, फिर उन्हें छोटी थैलियों में भर कर बेचते थे। एक छोटी थैली की कीमत लगभग 40 रुपए होती है। इसके अलावा 5-5 लीटर के कैन भी शराब भर कर बेची जाती थी। शराब निकालने के लिए हैंडपंप का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसमें नीचे एक 8-10 फीट का पाइप जुड़ा होता था। पाइप को जमीन में अंदर गड़े हुए ड्रम में लगा देते थे, वहीं दूसरे पाइप को बाहर रखे छोटे ड्रम में लगाकर शराब उसमें भर लेते थे। यह पानी निकालने वाले हैंडपंप की तरह ही काम करता है। अवैध शराब के सिलसिले में आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।